तो हेलो गाइस, क्या हालचाल बढ़िया सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GT5। और गाइस आज हम भाई अपनी MG ग्लॉस्टर कार को भाई एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाने वाले हैं। और साथ ही साथ गाइस उसके बाद हम जो अपना SUV वाला ट्रैक है वहां पे भी यार जो अपनी MG ग्लॉस्टर है उसका टेस्ट करने वाले हैं। और देखते हैं यहाँ पे भाई जो अपनी MG ग्लॉस्टर है वो कैसा परफॉर्म करती है यहाँ पे भाई एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे। तो गाइस अभी लेके चलते हैं भाई MG ग्लॉस्टर को। और आप लोग गाइस देख सकते हो अपनी गाड़ी का जो चारों तरफ से लुक है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये काफ़ी ख़तरनाक भाई SUV कार है। एंड अभी इसको लेके चलते हैं। और कुछ बंदे तो बोल लेते हैं कि भाई ये वाली गाड़ी ने इंडिया में मतलब जो है भाई फॉर्ड एंड ओवर की जगह ले ली है। अब मेरे को नहीं पता ये कार एक्चुअल में भाई कितनी ज़्यादा पावरफुल है कितनी ज़्यादा नहीं है, वो तो हमें थोड़ी देर में पता लगेगा। एंड गाइस अभी फटाफट से लेके चलते हैं इसको। और वैसे ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना पड़ेगा। और जिन लोगों को भाई अंदर से इंटीरियर देखना है तो उनको मैं अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बारी गाड़ी रोक के। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये भाई अपनी MG ग्लॉस्टर का अंदर से लुक। और भाई सीट कवर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिए हुए हैं और साथ ही साथ इसमें भाई फुल सनरूफ वगैरह दी है। तो गाइस अभी लेके चलते हैं अपना भाई एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक पर अपनी कार को यहाँ पर लेके। और इस गाड़ी में मतलब भाई पिकअप वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नो डाउट पिकअप वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भाई अपनी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन पे। और यहाँ से भाई अपनी गाड़ी का स्टार्ट होने वाला है एक्सट्रीम ऑफ रोड टेस्ट। तो देखते हैं यार अपनी MG ग्लॉस्टर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है भाई कर जाएगी, जिस हिसाब से भाई आप लोगों ने भाई इसकी बाइंग वाली वीडियो में बोला था ना उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है गाड़ी काफ़ी खतरनाक करने वाली है। आओ गाइस देखते हैं भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। फिलहाल तो अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउन द रिच करना है। और यहाँ पे हम एक तरीके से बोल सकते हैं गाड़ी का ब्रेक सैक होने वाले हैं। और गाड़ी भाई साहब काफ़ी प्यारे तरीके से उतर रही है यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो ब्रेक तो जो गाइस है ना काफ़ी सही है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक क्या, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और हल्का सा साउंड मेरे को ऐसा आया कि गाड़ी का बम्पर भिड़ गया था क्या नीचे, शायद से नहीं गाइस, नहीं बम्पर नहीं लगा था, और कोई सा पार्ट लगा होगा तो मे भी लग सकता है। और अभी थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो गाड़ी जो है भाई पत्थर के ऊपर चढ़ के आराम से निकल जा रही है भाई, क्या ही निकल रही है। मतलब ग्राउंड गियर तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को इसका। एंड अभी थोड़ा सा ओ गाइस यहाँ पे बम्पर हल्का सा टच हुआ है, क्या ये पत्थर के ऊपर से निकल पाएगी? ओ नहीं भाई, बम्पर भिड़ गया पत्थर में बहुत बुरी तरीके से। गाइस ये गाड़ी आगे से ना कुछ ज़्यादा ही नीचे मेरे को लग रही है, तो हम थोड़ा साइड से निकालने का ट्राई करेंगे। और ये क्या हो गया, ये तो फंस क्यों गई यहाँ पे? हेलो ओ गाइस यहाँ पे भाई गाड़ी फंस रही है, थोड़ा स्पीड में निकालना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हो गाड़ी जो है यहाँ से भी अपना निकल चुकी है। और अभी थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे जंप कराते हैं बढ़िया वाला। और ये हो गया है जंप। तो गाइस अभी यहाँ पे देखते हैं भाई गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ पर भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ अटक जाती है, वो इसीलिए क्योंकि जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता ना वो नहीं निकल पाती है, बिकॉज यहाँ पर स्टोन का ये ब्रिज है। तो लेके चलते हैं, देखते पार हो पाती है नहीं। और भाई साहब MG ग्लॉस्टर तो भाई क्या ही निकल के आई है ज़बरदस्त। हालांकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा भाई डैमेज हुआ है, ठीक है, मैं एकदम फील करके बता सकता हूँ गाइस कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, पर गाड़ी वो एरिया पार कर चुकी है अपना। और अभी और आगे इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। ओहो, और यहाँ पे ब्रेक मारने की ज़रूरत है। तो गाइस अभी और थोड़ा सा इंजन का पावर टेस्ट होने वाला है। और भाई यार पेड़ मेरे को दिखा ही नहीं गाइस। और यहाँ पे हमने गाड़ी को नीचे उतार दिया है पूरा, और अभी यहाँ पे चढ़ाएंगे। और गाइस आप लोग देख सकते हो भाई इतनी ख़तरनाक रिच को अपनी गाड़ी चढ़ के आ गई। पर ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसका पीछे वाला शीशा क्रैक हो गया गाइस। ओ भाई गाइस अपनी MG ग्लॉस्टर में तो बहुत मोटा खर्चा आ गया यार। ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग शायद से इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाली है, और वो है सब भाई मेरी ड्राइविंग की वजह से, ठीक है, गाड़ी की कोई गलती नहीं है। मैंने थोड़ा ड्राइविंग पर ध्यान फोकस नहीं करा, इसीलिए आप देख सकते हो गाड़ी का हाल कैसा हो गया है। फिलहाल तो अभी अपना ऑफ रोडिंग तो करेंगे ही भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी पूरी ख़त्म क्यों ना जाए, करने तो है भाई, करनी है तो करनी है। गाइस लेट्स को आगे लेके चलते हैं। और भाई साहब गाइस अभी होने वाला है थोड़ा सा वाटर टैच, ये तो पानी आराम से पार कर लेगी। और जी गाइस आप देख सकते हो गाड़ी काफ़ी आराम से यहाँ पर जो है भाई पार कर गई थी अपना। और आगे लेके चलते हैं, चल चल चल, अभी देखते हैं यहाँ पर चढ़ पाती है नहीं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लो स्लो चढ़ रही है, पर चलो फाइनली भाई चढ़ तो गई। मतलब गाड़ी में इतनी ज़्यादा पावर है पर वहाँ पे इसने चढ़ने में थोड़ा टाइम क्यों ले लिया मेरे को समझ में नहीं आया। हो सकता है भाई गियर वगैरह जो फ्रैंकलिन है सेकंड वगैरह डाल रखा हो, क्योंकि वहाँ पर तो भाई फर्स्ट गियर में ही गाड़ी निकल पाती।
और ये यहाँ पे भी निकल गई है। आगे देखते हैं और यहाँ पे भी एक ही बार में निकल गई है, लेट्स गो। और गाइज अभी होने वाला है भाई अपना डीप वाटर टेस्ट, मतलब यहाँ पे जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा है। अभी तो थोड़ा सा हमने कम लेवल का करा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम गहरा है। तो देखते हैं ये एरिया पार कर पाती है नहीं, तो लेके चलते हैं गाइज और फिंगर क्रॉस भाई कर ले, होप है, लेट्स गो। चली कार अपनी यहाँ पे और क्या ही, और ये बंदा भाई फिशिंग कर रहा था, गलती से उड़ गया अपनी गाड़ी से, क्योंकि अपनी गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में आई थी ना कि यार उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता मैं कैसे भी करके, मतलब मैंने पूरा ब्रेक वगैरह मारे थे पर फिर भी यार वो बंदा जो था ना वो भाई उड़ ही गया अपन से। एंड अभी चलते हैं गाइस आगे और थोड़ा सा, और यहाँ पे भी ओ बम्पर भिड़ गया, नहीं गाइस गड़बड़ हो गई भाई, तो गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं और आगे लेके चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो। ओहो नहीं नहीं नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या ही बेहतरीन। चलो गाइस ये भी अपना हो गया है, मतलब अपनी गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है। मतलब कई बार ये हुआ कि गाड़ी का बम्पर कई जगह पे लगा है आगे से, बोल सकते हैं हाँ इसका ग्राउंड गियर थोड़ा सा भाई मेरे को कम लगा है, ठीक है थोड़ा सा कम लगा है ग्राउंड गियर। तो अब रियल लाइफ में तो हो सकता है मे बी ज़्यादा हो, पर गेम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो गाड़ी का जो ग्राउंड गियर था ना वो कम है यहाँ पे। एंड ऑलमोस्ट गाइज अपनी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो ख़त्म हो गई है, पर गाइज अभी अपना SUV वाला ट्रैक बचा है और वहाँ पे देखते हैं भाई ये SUV, मतलब जो SUV ट्रैक है वहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि आप लोग नाम से ही समझ सकते हो जो SUV ट्रैक है वो भाई SUV कार के लिए ही बना है। वहाँ पे देखते हैं भाई अपनी MG ग्लॉस्टर कैसा परफॉर्म करती है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी MG ग्लॉस्टर ने जो है भाई पूरी ऑफ रोडिंग कम्प्लीट कर ली अपनी एक्सट्रीम, पर गाड़ी की हालत भी आप देख सकते हो काफ़ी ख़तरनाक हो गई, मतलब आगे से बम्पर वगैरह पूरा टूट चुका है और साइड में डोर वगैरह पे भी डैमेज पहुंचा था, क्योंकि एक जगह ये फंस गई थी और इस वजह से डोर भी डैमेज हो गया और पीछे वाला जो शीशा है वो भी टूट गया है। तो गाइस अभी लेके चलते हैं अपनी SUV वाले ट्रैक पे और वहाँ देखते हैं भाई इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो गाइस ये हम पहुँच गए हैं भाई अपने SUV वाले ट्रैक पे और फटाफट से मैं आप सभी को जो अपना भाई सिनेरियो है वो दिखा देता हूँ कि अपने SUV ट्रैक में क्या क्या होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी का एक तरीके से सस्पेंशन टेस्ट होने वाला है, मतलब एक होता है ना कि गाड़ी भाई जो है ऊंची नीची जगह में कितनी ज़्यादा स्टेबल है, वैसा ये ट्रैक है। और आगे जाने पे यहाँ पे सस्पेंशन टेस्ट होने वाला है एंड देन उसके बाद यहाँ से अपनी गाड़ी जाएगी, फिर उसको भाई यहाँ से नीचे उतरना है और यहाँ पे है गाइज अपने स्पीड बम्प प्लस वाटर है, इसको पार करते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी और उसके बाद पहुँचेगी इस वाली जगह पे। और यहाँ पे गाइज जो अपनी गाड़ी है उसको ये वाला एरिया क्लाइम करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग टाइप में जो है भाई गाड़ी को लेके जाना है, इससे भाई गाड़ी का स्टेयरिंग पता लगेगा कि कितना ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड स्लो के लिए इन्होंने लगा रखा है, मेरे को नहीं पता किस लिए। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी यहाँ से घूम के जाने वाली है ये भाई स्लिपली वाले लोड पे, और यहाँ पे आप सभी को दिख ही रहा है कि मतलब जो ट्रैक है ना उस पर काफ़ी सारा बर्फ पड़ा है, तो यहाँ पे गाड़ी के टायर बहुत ज़्यादा स्किट होने वाले हैं। एंड देन उसके बाद ये वाला एरिया पार करने के बाद अपनी गाड़ी को यहाँ से होते हुए जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा और सस्पेंशन टेस्ट होने वाला है एंड देन उसके बाद वही सेम चीज़ होने वाली है कि गाड़ी को देखा जाएगा कि भाई ऊंची नीचे जगह पे वो कितनी ज़्यादा जो है भाई कंफर्टेबल क्या कैपेबल है कि जो है मतलब गाड़ी एक तरीके से स्टेबल हम बोल सकते हैं। तो गाइस फटाफट से भाई अपना जो ट्रैक है मतलब ट्रैक क्या है अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई ग्लॉस्टर यहाँ पर कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो ये चली गाइस अपनी ग्लॉस्टर यहाँ पे और आप लोग देख सकते हो ऊंची नीची जगह पे तो काफ़ी आराम से निकल गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। और गाइस अभी बारी है भाई सस्पेंशन टेस्ट की और यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी का सस्पेंशन, ओहो क्या ही ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी ने जो है भाई अपना सस्पेंशन टेस्ट करा, मतलब सस्पेंशन तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है भाई अपनी कार के यहाँ पर, ठीक है। और अभी इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन द रीच है तो आराम से मेरे को उतारना पड़ेगा और भाई पत्थर में ठुक गई गाइस, गड़बड़ हो चुकी है गड़बड़, थोड़ा साइड से निकालेंगे लेट्स गो। चलो यहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ब्रेक अगर अच्छी नहीं होती तो गाड़ी अभी सीधा नीचे ही होती। और यहाँ पे अब होने वाला है वाटर प्लस स्पीड बम्प्स, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और गाइस देख सकते हो भाई अपनी ग्लॉस्टर क्या ही ज़बरदस्त कर रही है, ओहो मज़ा आ गया भाई ग्लॉस्टर मतलब चला के थोड़ा सा भाई लगता तो है कि हाँ भाई कोई प्रीमियम कार को चला रहे हो। एंड गाइस अभी देखते हैं भाई ये क्लाइंबिंग कैसा करने वाली है, यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट टर्न और लो, अरे भाई गड़बड़ हो गई गाइस यार आज मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों मतलब फोकस करके नहीं चला पा रहा हूँ गाड़ी को अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं है अभी गाइस बढ़ते हैं क्लाइंबिंग टेस्ट पे। और यहाँ पे गाइस अपनी ग्लॉस्टर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन स्पीड से भाई इस पूरे एरिया को क्लाइंब कर चुकी है और अभी थोड़ा सा जिगजैग टाइप वाला करना है और लो, मैंने तो शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी भाई कोई बात नहीं है।
लेट्स गो गाइस, आप देख रहे हो अपनी गाड़ी क्या ही खतरनाक भाई जिगजैग कर रही है, मतलब कट मारने का हम बोल सकते हैं, कट काफी अच्छे मार सकती है ये। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करके लेके जाना है, तो ये तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मली है, मतलब ऐसा तो नॉर्मली ट्रैकों पे होता ही है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस अभी देखते हैं भाई ब्रेकिंग, और आप लोग देख सकते हो गाड़ी जो है भाई पूरी स्किड मार रही है, वो तो ये अच्छा, ये टायर वगैरह जो है ना इसकी वजह से रुकी हुई है। और ब्रेक मारने पे, ओहो गाइस ब्रेक मारने पे गाड़ी रुक नहीं रही है, यहाँ पे काफ़ी देर में रुक रही है। और ये टायर, अरे हटाओ यार ये टायर वायर कितने लगा रखे हैं यहाँ पे, ओ ओ गड़बड़ गड़बड़, चलो। और अभी ये पानी के भाई जो वो रखे थे कंटेनर टाइप के, इनको भी उड़ा दिया है अपनी ग्लॉस्टर ने, लेट्स गो। और गाइस अभी होने वाला है अगेन सस्पेंशन टेस्ट, और आप लोग देख सकते हो गाड़ी यहाँ पे भी काफ़ी आराम से निकल के, एक बार और रिवर्स में करके देखते हैं, रिवर्स में भी आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे तरीके से निकल रही, मतलब ग्राउंड गियर वैसे देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, आप लोग देख सकते हो जो गाड़ी का ग्राउंड गियर ना काफ़ी अच्छा है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा और टेस्ट बचा है गाइस अपना, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा होने वाला है, लेट्स गो। और गाड़ी को एकदम अच्छे से अलाइन करना है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं। और आप देख सकते हो गाड़ी का जो एक वाला पहिया है ना, मतलब एक डाउन होने के बाद भी तीन पहिए पे गाड़ी कितनी ज़्यादा स्टेबल रह रही है, और गड़बड़ फिर से गड़बड़ हो गई भाई। एक बार ही गाइस अगेन टेस्ट करेंगे, इस बार फेल हो गया था, एक बार दोबारा अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी ये गाड़ी भाई पूरा मतलब मोटा ही खर्चा बैठ गया है, तो थोड़ा और भी मज़े ही ले लेते हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग के अपने। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो गाड़ी है कितनी ज़्यादा भाई अच्छे तरीके से स्टेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब ऊंची नीची जगह पे गाड़ी काफ़ी आराम से निकल सकती है, आप देख सकते हो। इस चीज़ से ये तो प्रूफ हो गया है कि हाँ भाई गाड़ी का ग्राउंड गियर वगैरह मतलब काफ़ी सही है, पर हाँ काफ़ी ऊँचा अगर कोई पत्थर इसके सामने आता ना तब यहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं निकल पाती, वहाँ पर बम्पर टच हो जाता है। और दोनों बारी अपनी गाड़ी ने क्या ही बढ़िया तरीके से जो है वो वाला जो पार्ट था उसको भी पूरा कर दिया गाइस। और आप देख सकते हो यार अपनी गाड़ी में गाइस बहुत मोटा खर्चा होने वाला है, मतलब फटाफट से मैं आप सभी को ना उतर के दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है। बम्पर तो गाइस आप लोग देखो ही मत, क्योंकि बम्पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, एक हेडलाइट यहाँ पर टूट गई है, ठीक है। और साइड के जो दोनों दरवाजे हैं ना, मतलब जो ड्राइवर साइड वाला और पैसेंजर साइड का, वो दोनों चेंज हो गए, क्योंकि डोर में आप देख सकते हो नीचे काफ़ी गहरा गड्ढा आ गया, मतलब डेंट पड़ चुका है। और साथ ही साथ पीछे की जो डिग्गी है ना वो भी, मतलब डिग्गी वाला डोर भी रिप्लेस होगा, क्योंकि इस पर भी काफ़ी डैमेज हो गया है। और साथ ही साथ जो शीशा है वो तो बदलेगा ही, क्योंकि वो भी टूट चुका है। और ये वाला जो पैसेंजर साइड का डोर है ये आप देख सकते हो हल्का सा बाहर हो गया है, तो इसीलिए पूरा ही चेंज होने वाला है। और सेम भाई अपना ड्राइवर साइड का भी यही हाल है, मतलब ड्राइवर साइड के में भी काफ़ी गहरा गड्ढा हो चुका है। और बाकी हाँ गाइस आप लोग मेरे को बताना कि आपने भाई अपनी AMG ग्लॉस्टर को भाई एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग और SUV टेस्ट को लेके, मतलब दोनों को मिला के जो है भाई 10 में से कितने नंबर देने वाले हो। मैं इसको 10 में से 9 नंबर देने वाला हूँ, एक नंबर मैं काट रहा हूँ इसका थोड़ा सा ग्राउंड गियर को लेके, क्योंकि गाड़ी का जो बम्पर था ना वो आपने देखे थे कई जगह भाई लड़ रहा था, एंड इसी वजह से मैंने इसका एक नंबर काटा। आप लोग बताना आपने 10 में से कितने नंबर इस कार को दिए हैं। और बाकी यार गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर से अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो जाते थे लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। तो गाइस तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।